दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि बाजार मांग और बाजार पूर्ति में एक साथ कमी का संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पे पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करूंगा। ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एक चैप्टर से लेकर 12 चैप्टर तक मैंने हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। अगर आप उस सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने आई बटन पे उसका लिंक दिया है, वहां पे जाके आप एक फर्स्ट चैप्टर से लेकर 12th चैप्टर तक सारे वीडियो आपको वहां पे मिलेंगे, वो भी सीक्वेंस में। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बाजार मांग और बाजार पूर्ति में जब एक साथ कमी होती है तो कितनी कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन तो ये बनती है कि बाजार मांग में होने वाली जो कमी होती है वो पूर्ति से ज्यादा होती है। होती दोनों में कमी है, परंतु मांग में कमी ज्यादा होती है पूर्ति की अपेक्षा। ऐसी पूर्ति में कमी जब ज्यादा हो दूसरी कंडीशन में और मांग में कम हो तीसरी कंडीशन में, दोनों में जो कमी होती है बराबर। इससे पहले वीडियो में मैंने वृद्धि को समझाया था, आज मैं कमी को समझाने वाला हूं। बहुत ही आसान सा वीडियो है, आप इसको समझोगे बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। अब देखिए, मुझे कमी करनी है और मुझे ये दिखाना है कि जब मांग में कमी ज्यादा होती है और पूर्ति में कमी कम होती है तो मांग वाले वक्र के बीच का गैप मैं क्या रखूंगा, ज्यादा रखूंगा। ज्यादा इसलिए रखूंगा दोस्तों ताकि मैं इस बात को प्रूव कर सकूं, इनके बीच का गैप ज्यादा रखूंगा। तो देखिए, ये हो गया मेरा D1, ये भी हो गया मेरा D1। एस में भी कमी हो रही है बट मैं उसके बीच का गैप क्या रखूंगा, कम रखूंगा। ये S1। और आपको ये बात भी मैंने आपको समझाई थी कि जब DD कर्व मूल बिंदु के करीब आएगा तो कमी होगी और DD कर्व जब दूर जाएगा तो वो वृद्धि होगी। ऐसे ही पूर्ति का वक्र अगर मूल बिंदु के करीब आएगा, लेफ्ट में करीब आएगा और राइट में दूर जाएगा, जब भी दूर जाएगा ना वृद्धि और जब भी करीब आएगा ना तो कमी। तो देखिए दोस्तों, दोनों में कमी हो रही है, मांग में भी कमी हो रही है, पूर्ति में भी कमी हो रही है। तो यहां पे हमने ये देखना है कि संतुलन कीमत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने ये ध्यान देना है कि D1 और S1 आपस में कहाँ काट रहे हैं, वो इस बिंदु पर काट रहे हैं दोस्तों, जो कि हमारा E1 है, जो हमें साफ साफ बता रहा है कि संतुलन कीमत तो घट जाएगी। पहले संतुलन कीमत थी OP, अब वो घट के हो गई OP1, जबकि संतुलन मात्रा पहले थी OQ, अब वो भी घट के होगी OQ1। तो आपने देखा कि संतुलन मात्रा भी घटी और संतुलन कीमत भी घटी, ऐसा क्यों हुआ? आप इसको समझने के लिए मैं एक आपको संख्यात्मक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए ये है हमारे सेलर्स और ये है हमारे बायर्स, किसी भी मार्केट में 10 ही खरीदने वाले थे, 10 ही बेचने वाले थे। मान लीजिए ये भी घटे, ये हो गए घट के 7 और ये घट के हो गए 3। अब देखिए, दोनों में कमी हुई, सेलर्स में भी कमी हुई है, बायर्स में भी कमी हुई है, पर बायरों में ज्यादा कमी हुई है, यानी हमारे क्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई। अभी पूर्ति ज्यादा है बाजार में और उस मांग उसकी कम अपेक्षा में कम है, तो नेचुरल सी बात है जो सेलर्स होंगे अपनी वस्तुओं का प्राइस कम कर लेंगे, तभी यहाँ पे संतुलन कीमत कम हुई है और बायर्स कम होने की वजह से संतुलन मात्रा भी कमी रहेगी दोस्तों। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरी कंडीशन में, इसे और अच्छी तरीके से भी मैं समझाऊंगा आपको। अब मान लीजिए पूर्ति में ज्यादा कमी हो रही है और मांग में क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि पूर्ति में होने वाली कमी ज्यादा है। तो देखिए, मैं पूर्ति के वक्र के बीच का गैप ज्यादा रखूंगा और लेफ्ट में खींचूंगा, क्योंकि पूर्ति में कमी हमारी लेफ्ट पे होती है। तो ये हो गया मेरा S2, ये भी हो गया मेरा S2। अब मांग में भी कमी हो रही है तो मैं इसको भी लेफ्ट में ही खींचूंगा, अपने हाथ के लेफ्ट साइड पे ही खींचूंगा, बट उसके गैप को मैं कम रखूंगा। ये हो गया दोस्तों मेरा D2, ये भी हो गया मेरा D2। आपने देखा कि S2 और D2 पहले E पर काट रहे थे और अब ये काट रहे हैं E2 पर, जो कि यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, तो मेरी संतुलन कीमत P2 मिल गई। और यहां से H पे मैं यहां से परपेंडिकुलर यानी लंब डालूंगा तो मुझे संतुलन मात्रा मिल जाएगी। तो आपने देखा कि संतुलन मात्रा तो घटी परंतु संतुलन कीमत बढ़ी। तो बहुत ही सिंपल इसी भी बात को हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये सेलर है और ये बायर है,
10 बेचने वाले थे, 10 ही खरीदने वाले थे, ये घट के 7 हो गए, ये घट के 3 रह गए और ये घट के 7 हो गए, दोनों में मैंने इसका उल्टा किया। तो आप देखिए ना, सेल सप्लाई कम है और मांग ज्यादा है, अभी भी बाजार में मांग ज्यादा है, और जब भी बाजार में मांग ज्यादा होगी तो उसकी संतुलन कीमत बढ़ेगी, परंतु कीमत बढ़ने से लोग आग उसे कम खरीदेंगे, यानी बायर्स उसे कम खरीदेंगे, इसलिए संतुलन मात्रा घटेगी। तो ये दोनों कंडीशन तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से इस पॉइंट पे क्वेश्चन आता है कि एक वस्तु की संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा पे पड़ने वाले प्रभाव की रेखा चित्र के माध्यम से व्याख्या कीजिए, यदि उसकी उसकी बाजार मांग और बाजार पूर्ति में एक समान कमी है। तो एक समान कमी वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पे देखिए, ये ज्यादा का है ग्रेटर, और ये भी ग्रेटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इक्वल वाली बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था, क्योंकि तो इस केस में ना संतुलन कीमत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं पहले इसको आपको एक संख्यात्मक उदाहरण देता हूं इसको समझाने के लिए। 10 ही खरीदने वाले थे, 10 ही बेचने वाले थे, ये भी घट के हो गए 5 और ये भी घट के हो गए 5, दोनों में समान कमी हुई है। यहां पे प्रचलित कीमत पहले 50 थी, और यहाँ पे भी अभी भी क्या रहेगी, 50, क्योंकि कोई परिवर्तन ही नहीं आया, अभी भी ना तो मांग अधिक है और ना ही पूर्ति अधिक है, बाजार अभी भी संतुलन में ही है। तो इसलिए आप ये समझिए कि संतुलन कीमत पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका। अब देखिए, इसी को मैंने पहले D3 खींच लिया, ये हो गया मेरा D3, ये भी हो गया मेरा D3, ठीक है। अब इसी से अब मुझे ये बात ध्यान देनी है कि संतुलन कीमत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मेरा जो एसएस कर्व है ना, वो इस बिंदु से होके गुजरना चाहिए। क्यों? ताकि संतुलन कीमत पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए यहां पे, देखिए ये S3 है और ये भी S3 है, तो यहां पे आप देखिए कि संतुलन मात्रा तो घट गई, परंतु संतुलन जो कीमत है वो अभी भी एज इट इज है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, जो मांग बाजार मांग और बाजार पूर्ति में एक साथ कमी के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया, आपको संख्यात्मक उदाहरण दिए जिसके माध्यम से आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है मेरे दोस्तों, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों यहाँ पे मेरे 1 से लेकर 12 चैप्टर मैंने खत्म कर दिए हैं, अब मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा, जो कि एनुअल एग्जाम में यानी 2020 में आने की जिसकी संभावना है, और साथ में दोस्तों मैं समष्टि अर्थशास्त्र की नई सीरीज स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं इस पेन यानी स्लाइड शो के माध्यम से आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इकोनॉमिक्स समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक करके जाएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।